हेलो फ्रेंड्स, मैं मीमांसा, आप सबको मेरे चैनल कुकिंग एंड क्राफ्टिंग में स्वागत करती हूँ। आज हम पाइपिंग जेल बनाएंगे जो कि केक डेकोरेशन में यूज़ होता है, और हम जो नाम वाम लिखते हैं ना, उसमें ये यूज़ भी होता है। देखिए, मैं तीनों कलर का पाइपिंग जेल बनाई हूँ। आप देखिए, इसका कंसिस्टेंसी इस तरह होना चाहिए, और ये कैसे घर में इजीली आसान से बन सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट, रेसिपी शुरू करते हैं। हमें जिस पैन में बनाना है उसमें 1 कप पानी देना है। 1 कप मतलब ये मेरा 200 ml के बराबर है। देखिए 200 ml का है, आप उसी तरह नाप के लीजिए। 1 कप पानी दे दी, फिर उसमें 4 tablespoon चीनी देना है, शक्कर। फिर हमें 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर अभी ऐड करना है। ये टेबलस्पून जो होता है ना, बड़ा चम्मच घर में जो होता है, वही स्टील का चम्मच आप ले सकते हैं। इसको इस तरह एक बलून का व्हिस्क लेके इसको मिक्स कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी लम्स या गठलियाँ नहीं रहना चाहिए। देखिए, ये पूरा अभी मिक्स हो गया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, आप खुद चेक कर दीजिए। फिर अभी टाइम आ गया, हमें इसको गैस के ऊपर बिठा कर लो फ्लेम में इसको कंटिन्यूसली इस तरह बलून का व्हिस्क लेके चलाते रहना है, क्योंकि इसमें जो कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ है ये तो जब बहुत जल्दी नीचे चिपकता है, आप सबको तो ये पता ही होगा। इसीलिए इसको व्हिस्क करते रहिए बीच बीच में, या फिर रेगुलर, मतलब कि ज़्यादा इंटरवल नहीं देना चाहिए, बस इसको व्हिस्क करना है इस तरह एक बलून का व्हिस्क लेके, ताकि इसमें कोई भी गांठें नहीं पड़े। मैं जिस तरह दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह कीजिए। ये धीरे धीरे इसमें बॉयलिंग होना स्टार्ट हो गया है। ये जब बॉयल होगा, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होगा। आप देखते रहिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर कीजिए। और कुछ रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए तो उसके रिलेटेड भी कमेंट कीजिए। देखिए, इसका कलर मैं बोल रही थी ना, ट्रांसपेरेंट होगा, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। इसको बस इस तरह हमें अब मिक्स करते करते इस कंसिस्टेंसी को थिक करना है। कितना थिक मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिए इसको, ताकि आप इसको अच्छे से जान पाए। अगर आपका व्हिप्ड क्रीम मेल्ट हो जाता है डेकोरेशन के टाइम, तो आप ये मेरा वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हूँ। अभी आप इस तरह एक चम्मच लेके इसका कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देखिए, ये अभी भी मुझे लग रहा है बहुत ही पतला है, इसलिए इसको और थोड़ा गैस पर ही रहने देना है। फिर इस तरह कंटिन्यूसली चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा, जल जाएगा, आपका जेल ठीक से बन भी नहीं पाएगा। तो इस तरह करते रहिए। आपको चेक करने का सही तरीका है कि चम्मच को इस तरह डुबा दीजिए, फिर उल्टा कर दीजिए। अगर इसके ऊपर कोई भी कोट आ जाएगा तो आप समझ लेना कि आपका ये पाइपिंग जेल प्रिपेयर हो गया, उस तरह समझ लेना। देखिए, मैं अभी उल्टा कर रही हूँ, मेरा ये ऊपर कोट आ रहा है। तो ये जेल अभी प्रिपेयर हो गया, कोट आ रहा है। अभी हमें गैस को बंद कर देना है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद अभी फिर से ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा हो गया, अब मैं 3 डिवाइड कर रही हूँ कलर ऐड करने के लिए। देखिए, ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो गया, इस तरह ठीक होना चाहिए ये। आप इसको फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब ये फूड कलर को मिक्स कर दीजिए। आपको जब भी यूज़ करना है, फ्रीज से निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज करना है। अगर ये थोड़ा भी ठीक हो गया है, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लाइए, और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करके इसका कंसिस्टेंसी ठीक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उस बात का कोई भी टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारा पाइपिंग जेल कितनी अच्छी तरह से बन गया, और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा दिख रहा है। देखिए, इस तरह होना चाहिए, कितनी सुंदर दिख रहा है। और 5 से 10 मिनट में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं घर में, अगर कुछ व्हिपिंग क्रीम या और कुछ नहीं है डेकोरेट करने के लिए, इससे भी हम डेकोरेट करेंगे।
ताकि आपको इजी हो। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।